हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों में हर किसी को कुल्फी खाने का मन करता है। और ऐसी गर्मी में जब आपको घर पर ही मार्केट जैसी स्वादिष्ट कुल्फी मिल जाए, उसका मजा ही दुगना हो जाता है। तो गर्मी और कुल्फी की दोस्ती में मिठास कैसे लानी है, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मैंगो। तो मैंने यहाँ पर 3 मैंगो लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। बॉईल हम इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मैंगो का पल्प है वो इजीली निकल जाए, क्योंकि हमें इसकी पल्प की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, मैंगो बॉईल हो चुके हैं और ये काफी सॉगी भी हो चुके हैं। सो अब हम इसे निकाल कर ठंडे पानी में रख देंगे। अब हम ले रहे हैं एक कढ़ाई और उस कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। फ्रेंड्स, हमें दूध को तब तक उबालना है जब तक दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ना हो जाए। तो फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं इलायची पाउडर। ये हमारी कुल्फी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, इससे काफ़ी अच्छी एसेंस भी आती है। फ्रेंड्स, हम ले रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। ये केसर पिस्ता फ्लेवर में है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने केसर पिस्ता कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपने पसंद का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। इसे हम थोड़े से दूध में घोल लेंगे और अभी दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। तब तक हम आम का पल्प अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए जो मैंगो का पल्प है वो इजीली छिलके से अलग हो रहा है, इसीलिए हमने इसे बॉईल किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा सॉगी हो चुका है और इजीली इसका छिलका अलग हो रहा है। आप चाहे तो इसे हाथों से निचोड़ के भी इसका पल्प निकाल सकते हैं और चाहे तो आप स्पून की हेल्प भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सारा मैंगो का पल्प अलग कर लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंगो का पेस्ट तैयार हो चुका है और अब हमारा दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम दूध में ऐड कर रहे हैं शुगर की जगह पर मैं ऐड कर रही हूँ देसी खांड। आप शुगर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर पिस्ता कस्टर्ड का जो हमने घोल तैयार किया था उसे। फ्रेंड्स, इस घोल को डालने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि जो दूध में है थोड़ी सी थिकनेस आ जाए और जो हमारी कुल्फी का टेस्ट है वो एनहांस हो जाए। फ्रेंड्स, बस अब ये अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मैंगो का जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स होने देंगे। फ्रेंड्स, जो ये कुल्फी बनेगी ना वो उसका टेस्ट एकदम बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही अमेजिंग। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। फ्रेंड्स, हमारे मिश्रण को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये कम्प्लीटली तैयार है। बस अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है और हमने इसे मिक्सर जार में डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए, हमारा जो आम का पल्प था एकदम स्मूथ हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल गिलास यूज़ किए हैं। आप चाहे तो कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे कोई मोल्ड अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने डिस्पोजेबल गिलास यूज़ किए हैं। और अब हम इसे डिस्पोजेबल गिलास में पोर करेंगे इसी तरह से। ये देखिए, हमारी कुल्फी तैयार है। अब हम इसे फॉइल पेपर से रैप करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे रैप कर लिया है फॉइल पेपर से और अब हम इसमें डाल रहे हैं स्टिक। ये देखिए गाइस, स्टिक, और हमारी कुल्फी तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम इसे फ्रीजर में 6 से 8 घंटे के लिए जमाने को रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी बनकर तैयार है। और चेक करते हैं हमारी जो कुल्फी है वो कैसी बनी है। वाह,
देखिए एकदम परफेक्ट हमारी कुल्फी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगी और द्वेन वीर को भी बहुत ही यमी लगी। आप इसे अपने बच्चों के लिए, सबके लिए घर पे तैयार कीजिए और इसका आनंद लीजिए। और आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।